दोस्तों रिव्यूइंग इस वीडियो में सोवेंटस जूनियर सिरप के बारे में। भाई क्या है, कहाँ चलती है, कितना बड़ा बच्चा यूज करता है, किस तरह से काम करती है, इसकी डोज क्या होती है, साइड इफेक्ट क्या है, जानेंगे सब कुछ। सो देखिएगा, देखिए सोवेंटस जूनियर सिरप एक ब्रांड नेम है जूवेंटस कंपनी का। जूवेंटस कंपनी बनाती है, लगभग हर दो दुकान पर आसानी से मिल जाती है, तो ज्यादा घूमना फिरना भी नहीं पड़ता है। दोस्तों इसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं 1 साल से लेकर 4 से 5 साल तक के बच्चों में, तो सेल्फ यूज नहीं की जाती, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बात करें भाई कहाँ दी जाती है, तो दोस्तों बच्चों में होने वाली खांसी की प्रॉब्लम में दी जाती है, गीली खांसी की प्रॉब्लम में दी जाती है। मुकोलाइटिक खांसी है, मुकस जम गया है, बलगम है फेफड़ों के अंदर, छाती के अंदर कफ है, कफ रहता है बच्चों की, तहत की आवाज आती है, अस्थमा हो गया है कफ के कारण, अस्थमेटिक एलर्जी रहती है, ब्रीथिंग करनी बहुत ज़्यादा टाइट है, जकड़न है बच्चों की, तो वहाँ दी जाती है। गले में कफ है, नाक में कफ है, कफ की प्रॉब्लम दी जाती है, एस्थमेटिक एलर्जी में दी जाती है, अस्थमा की प्रॉब्लम दी जाती है, तो गीली खांसी में दी जाती है, सूखी खांसी में नहीं दी जाती, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात करें भाई किस तरह से काम करती है, तो दोस्तों इसके अंदर आते हैं 3 सॉल्ट। पहला है टर्बुटालिन, दूसरा है एम्ब्रोक्सोल और तीसरा है ग्यूफिनसिन। टर्बुटालिन और ग्यूफिनसिन दोस्तों एक्सपेक्टोरेंट है, कफ को पतला और ढीला करके खांसी के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। एम्ब्रोक्सोल ब्रीथिंग इजी करता है, श्वास नली को चौड़ा करता है और श्वास नली से कफ को क्लीन करता है, जिससे कि ब्रीथिंग में आसानी हो सके। बात करें भाई डोज के बारे में, तो दोस्तों डोज जो होती है कैलकुलेटेड होती है, बच्चे की उम्र देख के, उसका बॉडी वेट देख के ही डॉक्टर ही बताते हैं। वैसे 5-5 ml दिन में 2 से 3 बार ले सकता है बच्चा, अगर 1 साल से बड़ा है, 2 साल से बड़ा है तो। बात करें भाई इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो एलोपैथिक मेडिसिन है, कभी कभार हो भी जाते हैं, जैसे कि सर दर्द होना, बच्चे को पेट में दर्द होना, उल्टी वगैरह हो जाना, ये इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये हर किसी बच्चे को नहीं होते, बहुत ही कम चांस में होते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। सावधानी बस यही है कि डॉक्टर की सलाह लेना है, सेल्फ यूज नहीं करना है। अगर किसी बच्चे को ये सूट नहीं करे, कोई स्किन एलर्जी हो जाए, कोई साइड इफेक्ट हो जाए, तो तुरंत यूज करना बंद कर देना और डॉक्टर को बताना है। तो दोस्तों ये था संपूर्ण रिव्यू, वीडियो का सिलका कौन लोग बताइएगा, कुछ भी समझे लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं।